जय हिंद, नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि कई मेरे छोटे भाई जो एसएससी जीडी के द्वारा नए फॉर्म भरने वाले हैं, जैसे आने वाली वैकेंसी में, और कई भाई जो भर चुके हैं, जिनको पता नहीं है कि किस फोर्स में क्या होता है, इनमें से सबसे अच्छा उनके लिए फोर्स कौन सा है। वैसे तो सभी फोर्स अपनी जगह अच्छे हैं, बेहतर है, इसीलिए देश में इतना अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा मतलब प्रदर्शनी हो रही है, सभी की बहुत ही अच्छी वाहवाही हो रही है, तो सभी अपनी जगह तो अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा है, या आपके जो जितनी आपकी मतलब तैयारी है उसके लिए कौन सा अच्छा फोर्स है, तो ये पता नहीं होता है। जब फार्म भरते हैं उस समय उनको बिल्कुल पता नहीं होता है, और ऐसे ही फार्म भर देते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, वो अपनी इच्छा से कोई भी फोर्स चूज़ कर देता है, फिर बाद में सोचते हैं कि सर मुझे इस फोर्स में जाना था, अब क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, तो बाद में जब चेंज नहीं होता है। तो शुरुआत में बता दूँ दोस्तों कि कौन सी फोर्स आपके लिए अच्छी है। अब इसके साथ में बता दूँ कि कई भाइयों के जो क्वेश्चन होते हैं सैलरी से संबंधित, या कैंटीन सुविधा से संबंधित, मेडिकल सुविधा से संबंधित, तो इनसे संबंधित अगर आप जानना चाहते हो कि आपको जो पैरामिलिट्री फोर्स में क्या क्या मेडिकल सुविधाएं मिलती है, डिपेंडेंट को क्या क्या मेडिकल सुविधाएं मिलती है, या कौन कौन डिपेंडेंट रहते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन वीडियो को वॉच करिए कि कितनी सैलरी मिलती है आपको, कौन कौन आप मेडिकल सुविधा में आते हैं, किस किस को आप डिपेंडेंट बना सकते हो। अब दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं कि इनमें से जो सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, और आपके लिए जो सबसे अच्छी फोर्स है वो कौन सी है दोस्तों। तो और मेरे हिसाब से आपको सबसे अच्छी जो फोर्स भरनी चाहिए वो कौन सी, आपको मतलब फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए दोस्तों। तो शुरुआत में हम करते हैं शुरुआत CRPF से। तो दोस्तों CRPF देश के साथ साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, जिसकी अभी संख्या 300,000 से ऊपर है। तो ये मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, भारत का तो सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है ही है। साथ में इसकी ड्यूटियाँ क्या क्या होती है इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों। CRPF स्पेशली देश की आंतरिक सुरक्षा के जिम्मा लेती है, कि देश में कहीं पे भी जैसे इलेक्शन हो गए, या कोई बड़ी रैली है, या कोई बड़ा मतलब बड़े बड़े देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा होती है इनमें काम करती है दोस्तों। उसके साथ साथ CRPF के जवान NSG कमांडो, SPG कमांडो, कोबरा कमांडो भी बनते हैं। CRPF स्पेशली जैसे जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, या नक्सलियों के खिलाफ जो ड्यूटी है, या कश्मीर ड्यूटी है, ये सभी ड्यूटी करती है दोस्तों, हार्ड एरिया में भी करती है। साथ में देश की जो आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मा ले रखा है वो भी प्रेजेंट टाइम में CRPF ने ले रखा है दोस्तों। CRPF के पास में सबसे ज़्यादा ड्यूटी हैं अर्धसैनिक बलों में, वो अभी CRPF के पास में, इसीलिए CRPF को देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बनाया गया दोस्तों। तो इसके साथ में CRPF को साल में 60 दिन EL और 15 दिन CL छुट्टी की सुविधाएँ मिलती है दोस्तों। 60 दिन EL में, फिक्स 60 दिन EL होता है, और CL में मैं एक वीडियो बना रखा हूँ CL के बारे में, छुट्टियों के बारे में, तो वीडियो भी आप देख सकते हो। 15 दिन की जो CL होती है उसमें आपको 22-23 दिन मिल जाते हैं, गवर्नमेंट छुट्टियाँ काउंट नहीं होती। तो ये CRPF का जॉब इस प्रकार का होता है दोस्तों। अब इसमें जैसे आपको इलेक्शन ड्यूटी भी हो सकती है, नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में CRPF पर, असम, अरुणाचल, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, सभी जगह CRPF देश के पूरे कोने कोने में फैली हुई है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है दोस्तों। तो CRPF किसी भी बॉर्डर पर नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, किसी भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में CRPF काम नहीं करती है, केवल आंतरिक देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए ही काम करती है, जैसे NSDAP के संबंधित, या कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, और जो कमांडोज मैंने आपको बता दिया वो। इसके साथ में अब शुरुआत कर, दूसरा आता है CISF दोस्तों। जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, जो CISF सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है दोस्तों, उसका काम होता है स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में ड्यूटी करती है, उसके साथ में एयरपोर्ट ड्यूटी भी करती है दोस्तों। CISF में विशेष क्या बात होती है दोस्तों, CISF की जो ज़्यादातर जो ड्यूटियाँ होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ में एयरपोर्ट पे ड्यूटी होती है, तो ये रिस्क ही कम होता है इसमें, मतलब रिस्क थोड़ा कम होता है, तो इसमें छुट्टियां भी कम होती है दोस्तों। इसमें केवल 30 दिन EL और 15 दिन CL मिलती है एक जवान को, लेकिन इसमें 12 महीनों में आपको 13 महीनों की पेमेंट मिलती है, क्योंकि आपकी एक महीने की छुट्टियां कम मिलती है, इसलिए आपको एक महीने की पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलती है दोस्तों। तो 12 महीनों के अंदर आपको 13 महीनों की पेमेंट मिलती है। CISF भी इलेक्शन ड्यूटी भी करती है, जब इलेक्शन, बड़े इलेक्शन होते हैं तो उसमें CISF भी इलेक्शन ड्यूटी करती है, जैसे
स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं जैसे विधानसभा के या सेंटर के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी ड्यूटी करती है। साथ में इंडस्ट्रियल एरिया जैसे टाटा जो उद्यान है इनके या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें ड्यूटी करती है। उसके साथ में एयरपोर्ट पे आपने CISF को देखा होगा, दिल्ली मेट्रो में भी देखा हो, मेट्रो में भी CISF ड्यूटी देती है दोस्तों। तो आप वहाँ पर जो जवान देखते हो वो CISF के होते हैं। CISF की ड्यूटी सेम ही होती है लेकिन थोड़ा इसके कम होता है क्योंकि उनका नक्सलाइड एरिया में ड्यूटी कम होती है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं SSB, सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों SSB का जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिम्मा आया वो भारत नेपाल बॉर्डर पर है। भारत नेपाल बॉर्डर की जो सीमा है उस पर SSB काम करती है दोस्तों। साथ में इलेक्शन ड्यूटी भी SSB करती है। इलेक्शन ड्यूटी के साथ साथ में SSB जो भारत और नेपाल का जो बॉर्डर सीमा है उसका जिम्मा अभी जो ले रखा है दोस्तों वो है SSB के पास में। इसी SSB को जो छुट्टियाँ होती है दोस्तों वो 60 दिन की EL और 15 दिन की CL होती है। 60 दिन EL फिक्स होती है और 15 दिन CL में वही होता है कि CL में आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हॉलीडेज मिल जाते हैं, इसलिए आपकी वो छुट्टी बढ़कर 22-23 दिन की हो जाती है। तो कुल मिलाकर आपको 85-90 दिन के बीच में आपको SSB में छुट्टियाँ मिलती है दोस्तों। तो SSB का जो जॉब है वो ज़्यादातर नेपाल और भारत का जो बॉर्डर होता है उसी एरिया में है। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी करती है दोस्तों, और ज़रूरत पड़ने पे जैसे कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जैसे कोई रैली होते हैं उनमें भी ड्यूटी करती है। इसके अलावा नक्सलाइड एरिया में और बॉर्डर पे नहीं करती है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही पता है कि बॉर्डर ड्यूटी करती है। तो दोस्तों जो BSF की जो ड्यूटी है वो ज़्यादातर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जो राजस्थान से जो जैसलमेर बाड़मेर इस साइड में जो बॉर्डर एरिया है दोस्तों, उसके साथ साथ में जम्मू में भी ड्यूटी करती है BSF। तो दोस्तों BSF की जो ड्यूटी होती है, इलेक्शन ड्यूटी तो पैरामिलिट्री सभी करती है, तो BSF भी इलेक्शन ड्यूटी करती है दोस्तों। उसके अलावा अगर कई जगह जैसे श्रीनगर जैसे एरिया में एयरपोर्ट ड्यूटी भी BSF करती है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ड्यूटी, ना कि मेन ड्यूटी वो CISF की रहती है, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ड्यूटी भी हो गई। साथ में BSF कश्मीर में भी कई हिस्सों में BSF ड्यूटी करती है, जम्मू के बहुत सारे हिस्सों में ड्यूटी करती है आंतरिक सुरक्षा के रूप में भी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में भी काम करती है। जैसे जम्मू से जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर BSF की ज़्यादा ड्यूटी होती है। रेगिस्तान पूरा BSF के अंडर में रहता है, पूरा रेगिस्तानी जो बॉर्डर है पूरा BSF के अंडर में रहता है दोस्तों। तो BSF इसी एरिया में ड्यूटी करती है दोस्तों। अब BSF को जो सुविधाएँ मिलती है, 60 दिन की EL छुट्टी मिलती है और 15 दिन की CL छुट्टी मिलती है दोस्तों। कुल मिला के वही 85-90 दिन के बीच की इनकी छुट्टियां बन जाती है, क्योंकि जो CL होती है उसमें गवर्नमेंट हॉलीडेज नहीं काउंट होते हैं, इससे वो 5-6 या 7 दिन की आपकी छुट्टियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ में BSF को जो क्रोकोडाइल कमांडो होते हैं वो भी पेट्रोलिंग और ऑपरेशनल ड्यूटी करती है दोस्तों। अब इसके बाद में ITBP, तो दोस्तों ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है। तो इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर लगता है दोस्तों उस पर ITBP ज़्यादातर ड्यूटियाँ करती है। ITBP की ड्यूटी स्पेशली इंडिया और तिब्बत के जो बॉर्डर है उसमें पुलिस फोर्स के रूप में काम करती है दोस्तों ITBP, उसी एरिया में इनकी ज़्यादातर ड्यूटी होती है। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी ITBP भी करती है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में सभी पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी करती है। जब बड़े इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शनों में ITBP कम इंक्लूड होती है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट के जो ज़्यादातर होते हैं उसमें CISF और CRPF सबसे ज़्यादा CRPF ड्यूटी करती है, उसके बाद में CISF आ जाती है, फिर SSB ऐसे करके आती है दोस्तों। लेकिन ITBP का कम ही होता है दोस्तों। ITBP मेन जो काम है वो रहता है इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर, तो वहाँ पर वो पुलिस फोर्स के रूप में काम करती है दोस्तों। ITBP को भी सुविधाएँ सेम पैरामिलिट्री की बराबर सुविधाएँ मिलती है, 60 दिन EL 15 दिन CL मिलती है दोस्तों। कुल मिला के वही 80-85 या 90 दिन के बीच की छुट्टियां बनती है इनकी भी। मेडिकल सुविधाएं पैरामिलिट्री के बराबर होती है, जो सभी CRPF CISF के जवानों को होती है वही मेडिकल सुविधाएं इनको होती है। इसके अलावा जो डिपेंडेंट या CPC कैंटीन की सुविधाएं वो सेम ही होती है दोस्तों। अब आ जाते हैं असम राइफल दोस्तों। असम राइफल स्पेशली भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है दोस्तों। जो भारत में सबसे पहला अर्धसैनिक बल बना था वो असम राइफल ही है दोस्तों। शुरुआत में 750 इसके जवानों के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी, और स्पेशली असम में जो कॉफ़ी के इनके जो बागान थे चाय के, इनकी सुरक्षा के बारे में असम राइफल गठित हुई थी दोस्तों।
लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और धीरे धीरे असम राइफल अभी प्रेजेंट टाइम में 46,000 जवानों के साथ में काफ़ी बड़ी फोर्स के रूप में विदेश में काम कर रही है। असम राइफल स्पेशली भारत म्यांमार के जो बॉर्डर है उसका जिम्मा ले रखी है, साथ में असम से संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों में ये सिक्योरिटी का भी काम करती है, नक्सल के खिलाफ भी काम करती है दोस्तों असम राइफल। असम राइफल को जो सुविधाएँ होती है दोस्तों वो भी 60 दिन EL और 15 दिन CL मिलती है, साथ में इनको कैंटीन सुविधाएँ आर्मी की कैंटीन सुविधाएँ मिलती है दोस्तों असम को, असम राइफल को, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्मी के अंडर में काम करते हैं, इनके जो भी सेना के जो अफसर होते हैं उनके अंडर में ही काम करती है असम राइफल दोस्तों। और इससे संबंधित आपको मैं बता दूँ, जो छुट्टियों से संबंधित कईयों को अगर नहीं पता है तो दोस्तों बता दूँ, 15 दिन CL और 60 दिन EL के अलावा दोस्तों पेटर्नल लीव होती है, वो आप पूरी सर्विस में 2 बार ले सकते हो। पेटर्नल लीव का मतलब हो गया कि मतलब जब आपके बच्चा होने वाला है तो 15 दिन की छुट्टी मिलती है, ये 2 बच्चों तक मिलती है दोस्तों, ये आप मतलब पूरी सर्विस में 2 बार ले सकते हो 15-15 दिन की छुट्टी। अब दोस्तों आपको आपका जो क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है प्रेजेंट टाइम में, या हमें किस में जाना चाहिए और हमारे नंबरों के अनुसार किस में जाना चाहिए, तो मैंने आपको सभी जॉब अपनी जगह बढ़िया से बढ़िया जॉब है दोस्तों, और CISF में जो सुविधाएँ सभी पैरामिलिट्री की सेम होती, चाहे CISF हो, CRPF हो या SSBO, सभी को सेम सुविधाएं मिलती है, मेडिकल सुविधाएं सभी की सेम है, CPG कैंटीन की सुविधाएं सभी की सेम है, पेमेंट सुविधाएं सभी की सेम है, सभी का बेसिक पे समान होता है, रिस्क अलाउंस सभी का अलग अलग होता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप दोस्तों वो भी देख लेना। बाकी अब आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी फर्स्ट चॉइस आप अगर जाना चाहोगे इनमें से कौन सी फोर्स में जाना चाहोगे दोस्तों। मैंने सभी के आपको काम बता दिए कि क्या क्या काम करती है, अब आप फर्स्ट चॉइस कौन सी चुनते हो और कौन सी फोर्स में आप जाना चाहोगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।